मशहूर अदाकारा और भाजपा सांसद हेमा मालिनी के सेक्रेटरी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। इस बात की जानकारी हेमा मालिनी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी मेहता जी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। जी हां, आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बेहद भारी मन से मेरे 40 साल से सहयोगी मेरे सचिव मेहता जी को मैं विदाई दे रही हूँ, जो कि बहुत मेहनती और काम के प्रति समर्पित थे। वो हमारे परिवार का हिस्सा थे और हमने उन्हें कोरोना संक्रमण की वजह से खो दिया। उनकी जगह कोई भर नहीं सकता। पिछले दिनों हेमा मालिनी ने कोरोना का पहला टीका लगवा लिया था। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर दी थी। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि मैंने कूपर अस्पताल में सार्वजनिक स्थल पर आम लोगों के बीच कोविड की वैक्सीन लगवा ली है। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश जंग लड़ रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक इससे उबरने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सेलेब्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 वैक्सीन लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। जी हाँ, तो हेमा मालिनी ने आज अपने इस करीबी को खो दिया, उस सेक्रेटरी को खो दिया जो 40 साल से उनके साथ काम कर रहे थे। जी हाँ, हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।